ऐसे नहीं करते हैं। मुझे यकीन है कि पुलिस को फोन करेंगे तो अपराधी मिल जाएगा। तकते हैं, हम में से कोई भी इसमें फंसना नहीं चाहता। तो फिर तुम हमसे क्या चाहते हो? ऐसा तो नहीं है कि हम उसे कोई सुनसान जगह नहीं दफना सकते? सीरियसली, हमें उसे दफनाना चाहिए। मैंने ये एक फिल्म में देखा था, अगर लाश ही ना मिले तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक और सीरीज के बारे में जिसका नाम है रिटर्न। और मेरी मानो तो अगर आप ये सीरीज देखने वाले हो तो पक्का बता दूं मैं आपको कि ये सीरीज देखने के बाद आप वहां से हो जाओगे रिटर्न, यानी कि एमएक्स प्लेयर से जहां पर ये हिंदी में आई है। एक दो एपिसोड के बाद में आपको वहां से रिटर्न होने का मन करेगा। अच्छे से अच्छे सीन को और बढ़िया से बढ़िया सीन को देख के आपको मज़ा बहुत आएगा, लेकिन आने वाले एड्स के बाद में जब आप उसको देखोगे इतना परेशान हो जाओगे कि आपको वहाँ से छोड़ने का मन करेगा। ऐड की वजह से नहीं, उनके डबिंग की वजह से। हिंदी डबिंग इतनी बकवास है ना, इससे अच्छा है आप इंग्लिश सबटाइटल में इसको देख लो। कई लोगों ने इसके बारे में कंप्लेंट किया है कि यार डायलॉग कहीं जा रहे हैं, मुंह कहीं हिला रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं बैठ रहा है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं जा रही हैं। हालांकि कई लोगों ने तो ऐसा कहा है। अब आप बोलोगे कि आप क्यों नहीं कह रहे? मैं कह रहा हूँ यार, मैं भी कह रहा हूँ कि यार बकवास डबिंग हुई है इस बार तो। और इसके अलावा ये कहीं मल्टी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, आपको वहाँ से देखने से अच्छा है आप इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखो, इंग्लिश सबटाइटल के साथ में ज़्यादा मज़ा आएगा, स्टोरी भी समझ में आ जाएगी। हालांकि हॉरर नहीं कह सकते, थ्रिलर और क्राइम स्टोरी है इसमें, जिसमें एक लॉयर और एक डिटेक्टिव मिलकर एक केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि आगे बता के मैं आपका स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा पूरी सीरीज को। लेकिन सवाल अभी भी ये उठता है कि क्या ये सीरीज देखनी चाहिए? हमारा सबसे मेन मुद्दा यही है, क्योंकि आप हमारे वीडियो को स्पेशली इसीलिए देखने आते हैं कि क्या ये सीरीज देखने लायक है। अगर मेरी माने तो आप इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में सबटाइटल के साथ देख रहे हैं तो ओके ठीक है। कभी बोर हो, कुछ और देखने लायक नहीं है तो आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप इसी को देखना चाहते हो, आपका बहुत अच्छा मूड है और कोई सीरीज देखने का मन कर रहा है, तो इसे मत देखना यार, मूड स्पॉइल हो जाएगा मेरी मानो तो। इससे अच्छा कुछ और देख लो। और ट्रेलर से आपको पता चल गया होगा कि कितनी बकवास डबिंग है इसकी। इसके अलावा हम और क्या ही रिव्यू करें, आप इतने से ही समझ जाओ तो बढ़िया है, नहीं तो फिर जाओ देखो फिर समझो।